नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनरावर्तन के अंतर्गत हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। देखिए, हमने पाठ पढ़ लिया है, प्रश्न अभ्यास भी कर लिए हैं और अब जब समय आ गया है कि हम प्रश्नों के उत्तर हमें आते हैं लेकिन उनको हमें एक सही व्यवस्थित रूप से लिखना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न 15 नंबर पर जो ये प्रश्न दिया गया है, इस पर ध्यान देंगे कि कामिल बुल्के जो हैं उनकी सन्यासी की परंपरागत छवि से एक नई छवि को प्रस्तुत करते हैं। इसमें बेटा हमें यही बताना है, परंपरागत छवि हमें पता ही है क्या होती है सन्यासी की, जो मोहमाया से दूर और सन्यासी वेश धारण करके घर से निकल जाते हैं वो होती है। लेकिन यहाँ देखिए, सन्यासी जो है सांसारिक मोहमाया से दूर रहते हैं, जबकि फादर जो है वो उसके विपरीत हैं और परंपरागत सन्यासियों की परिपाटी का निर्वहन न कर वे सबके सुख दुख में शामिल हैं। एक बार जिससे रिश्ता बनाते हैं उसे तोड़ते नहीं हैं, सभी के साथ वो अपनत्व प्रेम और गहरा लगाव रखते हैं। लोगों के घर में आना जाना उनके प्रति जो है एक तरह से नित्य प्रति के अपने काम भी हैं, वो भी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे परंपरागत सन्यासी होते हैं ना कामिल बुल्के, वैसे सन्यासी नहीं हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, देखिए ये कि कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे कामिल बुल्के के जो मानवीय गुण हैं उनको देखना है। तो बेटा देखिए, लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि इसलिए कहा है क्योंकि फादर देवदार के वृक्ष के समान शीतल और मन को शांत करने वाले थे। लेखक और उनके साथियों के साथ हंसी मजाक करते रहते, साहित्यिक गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते और अपने निकट के व्यक्ति की रचनाओं पर स्पष्ट टिप्पणियाँ भी देते, ठीक है। और उन सभी के मन में उनकी स्मृति यश की यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान बनी रहेगी। जिस प्रकार यज्ञ की पवित्र अग्नि सारे संसार को आलोकित और पवित्र करती है ना, उसी प्रकार से बुल्के के विचार आदि से भी उनके सहयोगी पवित्र विचारों से सदैव प्रभावित रहेंगे। तो इस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे। अब एक और प्रश्न ये देखिए कि फादर कामिल बुल्के को जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में जो है निरंतर पूछा जाता रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें हमें उनके मानवीय गुणों को ही देना है। तो इसमें हम यही बताएंगे कि फादर बुल्के जो है उन्होंने अपना जीवन सदैव दूसरों की भलाई में लगाया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार ममता छलकती रही, जो हर किसी में केवल अपने प्रियजन के लिए होती है। मतलब जो हम अपनों के लिए करते हैं वो उन्होंने आम जन के लिए किया। उनके मन में दूसरों के लिए हमेशा प्यार और ममता है और वे सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ते में बन जाते थे। कभी क्रोध और आवेश में उन्हें नहीं देखा गया। लोगों के सुख दुख में शामिल होते थे, उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे और उन्हें सांत्वना भी देते थे। तो ये वो मानवीय गुण हैं जिनके लिए हम कामिल बुल्के को जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहते हैं। अब देखिए, एक और प्रश्न है कि क्या हम जबकि कामिल बुल्के का